काबुल च तालिबान के लड़ाकियों के वलों गुरद्वारा करते परवान साहब दाखिल होकर भन तोड़ की गई, सीसी टीवी भी तोड़े गए। इस घटना लैके सिख भाईचारे रोस पाया जा रहा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। करीब 2 महीने पहला अफगानिस्तान से कब्जा करने वाले तालिबान ने हुण दूजे धर्मां दे स्थानां नूं निशाना बनाउणा शुरू कर दिता है। मंगलवार को तालिबानियां दे एक दल ने काबुल के पवित्र गुरद्वारा साहब करते परवान ते हमला किया। दुनिया सामने शराफत का नकाब पाउण वाले तालिबान का असली चेहरा सामने आउण लगे, जिसकी गवाही ये तस्वीरां भर रही ने। मंगलवार को तालिबान के लड़ाके हथियारों के नाल गुरद्वारा साहब के विच दाखिल होए, जिन्हें गुरद्वारा साहब के विच भन तोड़ की अते कई लोगों नूं हिरासत च लिया। मैं सरदार गोबिंद सिंह सपत भाई प्रतपाल सिंह, अब 4 बजे सर से कॉल आया कि इतने 25 लगो हमने दिया, इन्हों कौन सा करवाया पता नहीं, इतों के सारे कमरे पाने ने। दूसरा इतों के जितने त्रै बंदे आए चौकीदार उन्होंने 8 पैरों में बने ने, तो अंदर गुरुद्वारे जुड़े ने गुरगैन सर। इंडियन वर्ल्ड फोरम के प्रधान पुनीत सिंह चंडोक ने इसकी पुष्टि की है कि तालिबानी अधिकारी गुरद्वारा साहब दाखिल होए। पुनीत ने कहा कि अणपछाते भारी हथियारों के नाल लैस तालिबानी लड़ाकियों के ग्रुप गुरद्वारा साहब दाखिल होया। उन्होंने यह भी दसिया कि तालिबान ने सिख भाईचारे के कई लोगों अपनी हिरासत च लिया। गुरद्वारा साहब दाखिल होने वाले तालिबानी लड़ाकियों ने गुरद्वारा साहब च लगे सीसीटीवी कैमरिया तोड़िया, तो नाल ही भन तोड़ की है। गुरद्वारा करते परवान के प्रमुख गुरनाम सिंह ने दसिया कि तालिबान ने लगे करीब हर सीसीटीवी तोड़े है। मनिया जा रहा है कि इसका मकसद यह सी कि अतवादियों की हरकत कैमरिया के कैद ना हो सके। अफगानिस्तान च तालिबानी लड़ाकियों के वलों गुरद्वारा साहब च दाखिल हो की भन तोड़ की भारत समेत दुनिया भर च वसदे सिख भाईचारे के वलों विरोध जताया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने दुख का प्रगटावा किया है। आज करते परवान गुरुद्वारा जो काबुल के अफगानिस्तान में है, उसमें आज 15-16 अज्ञात लोग गुरुद्वारे के अंदर घुसे। इन लोगों ने अपने आप को तालिबान के लोग बताया और गुरुद्वारे में आके तलाशी लेने की बात की। गुरुद्वारे के मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर और फिर जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सुशोभित हैं उसके आसपास भी जाके सारी तलाशी ली और उसके बाद जाते हुए सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर चले गए। इससे बहुत वहां पर दहशत फैली। हमारे वहां के गुरुद्वारे के प्रधान साहब और बाकियों ने जब ये बात सारी सरकार के संज्ञान में लाए तो वहां की सरकार के लोगों ने और तालिबान के मुखी जो वहां पर हैं उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, हमें नहीं जानकारी। अब सबसे बड़ी वहां पे जो चिंता बनी हुई है कि कोई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप को छेड़छाड़ ना करे या ये लोग दोबारा से आके कोई ऐसी हरकत ना करें, इसको लेकर वहां के हमारे सारे ही परिवार बहुत चिंतित हैं। वहां के लोकल तालिबान लीडर जो हैं उनके जो मुखी हैं उनके साथ हमारे लोगों ने जाके जब संपर्क किया है तो अभी तक इस बात के बारे में उनको भी कोई संज्ञान नहीं है। वो वहां पर पहुंचे हैं जो सरकार की तरफ से नुमाइंदे हैं, लेकिन अभी तक भी इसकी कोई जान भी नहीं मिल पा रही। ये लोग कौन थे, किस मकसद से आए थे, किसी का जानी नुकसान करने आए थे या क्या करने आए थे, इसका कुछ जानकारी नहीं। और खास तौर पर क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तोड़कर गए हैं तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस तो पहला तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्वी सूबे च स्थित गुरद्वारा साहब की छत तो निशान साहब हटा दिता सी। सत्ता ते काबज होने के कुछ ही दिन बाद तालिबान ने हज़ारा भाईचारे के 13 लोगों का कतल किया। मृतकों च 17 साल की एक लड़की भी शामिल है। यह घटना देश के सेंट्रल सूबे दायकुंडी की है। इस गल की जानकारी विश्व मनुखी अधिकार संगठन की रिपोर्ट के दी गई है। तालिबान के 300 लड़ाकियों का एक काफिला 30 अगस्त को खिदर जिले के गया और अफगान नैशनल सिक्योरिटी फोर्स के 11 सबका मैंबरों का कतल किया गया। इन्हों 9 नेड़े नदी बेसन से ले जाया गया, जिथे आत्म समर्पण के तुरंत बाद उन्होंने मारिया गया। तालिबान अपनी हुकूमत जमाने के लिए महिलावां तो लैके हर उस वर्ग के खिलाफ है जो तालिबान के खिलाफ है या तालिबान जो पसंद नहीं। ABP सांझा जोश जज्बा जुनून।